ओके गुड मॉर्निंग, बातें बंद इधर। गुड मॉर्निंग, नई यूनिट चालू करनी है आज। चैप्टर नंबर 9 अपना इंटरनेशनल ट्रेड रनिंग में है, जिसकी यूनिट नंबर 3 अपने को स्टार्ट करनी है। कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है? थर्ड यूनिट, जिसका नाम क्या है? ट्रेड नेगोशिएशंस। देखो आप नोटिस करो, अभी तक आप लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिक्स पढ़े हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है हमने देखा, इंटरनेशनल ट्रेड किसको आपस में करना चाहिए थियोरीज देखी हमने उसपे बहुत सारी, की किसके लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिशियल है भी या फिर नहीं है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट यूनिट में क्या देखा, जो अभी लेटेस्ट यूनिट आप करके आयो, हाँ बहुत सारे तरह के एक तरह से इंटरफेरेंसेस ऑफ गवर्नमेंट देखे, किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्नमेंट क्या कर पाती है, कंट्रोल कर पाती है बाय सम, बाय क्या क्या देखा बोलो, बाय सम टैरिफ बैरियर्स एंड सम नॉन टैरिफ मेजर्स आल्सो। सो बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारी पॉलिसीज हमने देखी जो कि सरकार लगाती है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। उसके बाद आज जो आप पढ़ने वाले हो वो है ट्रेड नेगोशिएशंस। देखो क्या होता है, इतनी सारी कंट्री है दुनिया के अंदर, सबको आपस में ट्रेड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे इतने सारे लोग काम करेंगे साथ में वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तो एनीवेज भी रहते ही रहते हैं। इन द सेम वे इस चीज के अंदर भी, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो, कम से कम हो, स्मूथली ट्रेड हो, इसीलिए बार बार बहुत सारे अलग अलग तरह के अग्रीमेंट्स का बनाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अलग अलग तरह के अग्रीमेंट्स, और ऐसे भी लोग होने चाहिए जो वर्ल्ड ट्रेड, पूरे के पूरी दुनिया की में जो ट्रेडिंग हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है, उसको मॉनिटर भी कर सके, जिस पर सारी कंट्रीज रिलाय कर सके, जिसकी सब बात मान सके। अरे अगर सभी अपने आप में नेता हो जाएंगे तो फिर यार कौन किसकी सुनेगा। ओके तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, इस पर्टिकुलर जेनरे को कंट्रोल करने के लिए भी कोई होना चाहिए। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज मिलकर आपस में बहुत सारे तरह के अग्रीमेंट्स भी बनाती रहती है, और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एक जो इस चीज को मॉनिटर करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, वो कौन सी है, WTO, हमने सुना है ना। तो इस पर्टिकुलर आप चैप्टर में अलग अलग टाइप के अग्रीमेंट्स की बातें पढ़ेंगे, किस तरह से अलग अलग कंट्रीज मिलकर अग्रीमेंट्स बना सकती है ताकि उनके बीच का जो ट्रेड है वो क्या हो, स्मूथ हो, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हो। आप सबसे मेन बात पढ़ोगे WTO के बारे में। आखिर ये WTO अपन इतनी बार सुनते रहते हैं, पता नहीं कभी टीवी पर भी सुनते हैं, कभी पेपर में भी देखते हैं, बुक्स में भी पढ़ते हैं, ऐसे भी सुन लेते हैं, ये WTO है क्या। ओके सो ये WTO के बारे में आप पढ़ोगे, WTO बना कैसे। ऐसा नहीं कि WTO बहुत पुराना है, ठीक है, 1994 का आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ओके इसका WTO का, तो इट्स नॉट वेरी 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 ओल्ड। ओके तो कैसे बना, इससे पहले का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था क्या? होता ही था यार, कब से हो रहा है, हम तो आजाद हुए कितने साल हो गए हमको, 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके पहले से भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। कब, हमने तो 1991 में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हम लेकर आए, इंटरनेशनल ट्रेड कब से चल रहा है, पर ये तो अभी बना है 94 के अंदर। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले कैसे मॉनिटर होता था, फिर WTO बना कैसे। सो यही सारी बातें आपको बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। पहली बात तो समझ में आया क्या कवर करना है। अब हम चालू करेंगे पहला टॉपिक, टैक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट के बारे में बेसिकली बताया गया यहाँ पे, जिसको आप बोलते हो RTAs। क्या बोलते हो? RTAs, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट। क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। देखो, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट आर डिफाइंड एज ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज, नॉट नेसेसरीली ज्योग्राफिकल सेम होना चाहिए, विच आर फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन द मेंबर कंट्री। In other words, a regional trade agreement is a treaty between two or more government that define the rules of the trade for all the signatories. देखो क्या मतलब है, क्या बोल गया ये? सिंपल सी बात है, इतनी सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में, समझो उनमें से 5 कंट्री को मिलकर आपस में क्या करना है बेटा, ट्रेड करना है, ठीक है। और वो जो ट्रेड करना चाहते हैं वो स्मूथ ट्रेड करना चाहते हैं, अपन पांचों में तो एटलीस्ट ट्रेडिंग कैसे होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, उन्होंने अग्री करा इस बात को, ठीक है। तो वो क्या बना लेंगे, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट बना सकते हैं आपस के अंदर। मैम क्या ये कंट्रीज का आस पास लोकेटेड होना जरूरी है? हाँ भाई क्यों नहीं। ओके इंडिया तो पाकिस्तान के साथ बनाया गया ना RTA, ऐसा नहीं है बेटा। सो बेसिकली आस पास लोकेटेड होना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है, फिर हमारा तो क्या ही होगा पता नहीं। ओके तो RTA में बेसिकली क्या है, ज्योग्राफिकली सेम कंट्रीज होने नेसेसरी नहीं है, वो कहीं पर भी कोई भी कंट्री हो सकती है, बस ग्रुप ऑफ कंट्री होता है, वो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक अग्रीमेंट बनाते हैं, जिसके कारण उनका जो ट्रेडिंग होता है आपस में वो कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, सिंपल सी बात है।
और सिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट, समझो पांच कंट्रियों ने मिलकर अग्रीमेंट बनाया तो ये पांचों इसकी क्या हो गई, सिग्नेटरीज हो गई। भाई जिसने अग्रीमेंट साइन किया है, सिग्नेटरी कौन होता है, जो साइन करता है। तो जो भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए जाएंगे वो सारे सिग्नेटरीज पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे, सिंपल सी बात। एज ऑफ 1 फरवरी 2021 339 आरटीएस वर इन फोर्स। इन्होंने एक छोटा सा फिगर दिया है आपको कि 2021 तक का डेटा इनके पास है, उसके हिसाब से अभी तक दुनिया में कितने आरटीए अग्रीमेंट बन चुके हैं कंट्रीज के बीच में, 339। So, मतलब 339 अग्रीमेंट्स बन चुके कभी कोई किसी कंट्री के बीच में, कोई किसी कंट्री के बीच में, कोई किसी कंट्री के बीच में। So, बहुत सारे 339 तो बहुत अच्छा नंबर है, इतने सारे अग्रीमेंट्स आपस में बने हुए हैं। अब अलग अलग टाइप के अग्रीमेंट्स की बातें पहले इन्होंने आपको बताई है, कितने तरह के अग्रीमेंट्स होते हैं। देखो एक है यूनिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। अरे यूनिलेटरल बायलेटरल समझ में आता ना तुमको, यूनिलेटरल का मतलब है वन वे, बायलेटरल का मतलब है टू वे, सीधी सी बात। यूनिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है बेटा, अंडर विच एन इम्पोर्टिंग कंट्री, एक्चुअली यूनिलेटरल अग्रीमेंट बनता क्यों मैं बताती हूँ तुम्हें, यूनिलेटरल अग्रीमेंट क्यों बनता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, जिसको बहुत जरूरी है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, तो क्या होता है ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, ये हेल्प करती है किसको, डेवलपिंग कंट्री को, कि भाई हम तुमसे इंपोर्ट करेंगे तो टेंशन मत ले, ठीक है, हम तेरे से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तू अच्छे से क्या कर, एक्सपोर्ट कर, एक्सपोर्ट करेगा तो ही उसकी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो ये यूनिलेटरल अग्रीमेंट है, इसके अंदर उन्होंने उससे कुछ नहीं मांगा वाइस वर्सा कि यार हम तेरे से इंपोर्ट करेंगे, तुझे भी मेरे से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने क्या बोला, हम तेरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तेरी इकोनॉमी को, इसीलिए यूनिलेटरल अग्रीमेंट बनाते हैं जहां हम तेरे को इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। जो डेवलप कंट्री ना, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो क्या बोल रही है, हम तुझे क्या प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, तुम बेधड़क क्या करो, यहाँ पर इंपोर्ट करो, मतलब अपना जो गुड्स है एक्सपोर्ट करो, हम यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए रेडी है। बात समझ में आ गई, देखो। सो अंडर विच एन इंपोर्टिंग कंट्री ऑफर ट्रेड इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू एनकरेज द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू एंगेज इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट विल इंप्रूव द एक्सपोर्टिंग कंट्री की इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत अलग अलग टाइप के अग्रीमेंट के नाम दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो जीएसपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ऐसा भी एक अग्रीमेंट बना हुआ है जो जिसका मोटिव क्या है, यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है बेसिकली उसको एक्सपोर्ट करने का क्या मिले, एनकरेजमेंट मिले कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड करो तो सही, जो डेवलप्ड कंट्री है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए क्या है बैठी है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, वैसे वर्षा होता है, बायलेटरल अग्रीमेंट होता है। These agreements that set rules between two country, two blocks or a block and a country. देखो block क्या होता है? समझो दो तीन country ने मिलकर अगर एक organization बना ली, that is a block. Okay? तीन country एक तरफ, एक country एक तरफ. Okay? तो जो bilateral agreement है वो कैसे भी हो सकता है? One on one भी हो सकता है. एक country इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपस में bilateral agreement हो गया, ये भी हो सकता है. या फिर एक block और एक country के बीच में भी हो सकता है. मानो कि ना इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, हमने मिलकर, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे example. मानो कि इंडिया, श्रीलंका या दो तीन कंट्रीज ने मिलकर एक ब्लॉक बना रखा है और एक कंट्री दूसरी कंट्री है, तो इस ब्लॉक और एक कंट्री के बीच में भी क्या हो सकता है, बायलेटरल अग्रीमेंट हो सकता है। सो किसी भी तरह से बायलेटरल अग्रीमेंट बन सकते हैं, लेकिन बायलेटरल अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर जिसके बीच में वो बायलेटरल बन रहा है वो दोनों कंट्री, वो दोनों पर्टिकुलर ब्लॉक या कंट्री आप कुछ भी ले लो, उनके बीच के रूल्स सेट करे जाएंगे, वैसे वर्षा काम करेंगे, वो इस पर भी काम करेगा और अदर साइड भी काम करेगा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि ईयू और साउथ अफ्रीका के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बना हुआ है। ईयू का मतलब क्या होता है, इसे कौन सी बोलो यार, ईयू का मतलब क्या हो सकता है, कॉमन सेंस लगाओ, हाँ है ना, ऑब्वियस ही बात है। सो यूरोपियन यूनियन जो है और साउथ अफ्रीका का एफटीए अपन इसको बोलते हैं, जैसे कि ना और एक अग्रीमेंट का नाम बताया इन्होंने, एएसईएन और इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, ये तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना, ये क्या था, एसईएन क्या था, साउथ ईस्ट एशियन, सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, जो मैंने बताया तुम्हें इंडोनेशिया है जिसके अंदर वियतनाम है, तो उन लोगों के बीच में प्लस इंडिया, सेकंड साइड कौन है, इंडिया, इस साइड कौन है, ये जितने भी साउथ ईस्ट नेशन है इनका ब्लॉक, ओके, और दूसरी साइड कौन है, इंडिया, तो अपने बीच में भी क्या बना हुआ है, एक बायलेटरल अग्रीमेंट बना हुआ है ताकि जो ट्रेडिंग हो वो कैसी हो, स्मूथ हो। एग्जाम्पल है, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट अमंग द ग्रुप ऑफ कंट्री रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स ऑन द रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस फॉर ओनली द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सेम टू सेम देखो, ऑलमोस्ट ना बातें सारी सेम ही आएगी कि बैरियर्स रिमूव करने के लिए कंट्री ने आपस में क्या कर रखे हैं, अग्रीमेंट कर रखे हैं, खाली ना सिचुएशन के हिसाब से क्या चेंज कर दिए जाते हैं, नाम चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है, इसके अंदर बेसिकली जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही दिया जाएगा, जो भी इस अग्रीमेंट की मेंबर कंट्रीज होगी उनको ही आपस में बेनिफिट दिया जाएगा। और एक होता है ट्रेडिंग ब्लॉक, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना ऊपर ब्लॉक की बात हुई,
It has a group of country that have free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff to other country. देखो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर मैंने बोला ब्लॉक, चार कंट्री ने मिलकर क्या बना लिया, ब्लॉक बना लिया. अब ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब है कि भाई ये चार कंट्रीज आपस में तो क्या है, फ्रेंड्स है, दुश्मन तो किसी की नहीं है, आपस में तो क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है. लेकिन जो इन चार कंट्री के अलावा पूरी दुनिया बच गई ना, ये चारों कंट्री उनको सेम तरह से क्या करती है, ट्रीट करती है. बात समझ में आ गई, जो एक्सटर्नल कंट्रीज बच गई, ये चारों कंट्री एक होकर उनको सेम तरह से ट्रीट करती है कि भाई तू चाहे सामान इधर से ले ले, इधर से ले ले, इधर से ले ले, तेरे को बराबरी बेसिकली बात पड़ेगी, क्योंकि हमने ब्लॉक बना रखा है, हमारे अलावा बाकी जितनी कंट्री वो हमारे लिए क्या है, सेम है. ओके, एक्सटर्नल कंट्रीज तो है तो कॉमन टैरिफ चार्ज करते हैं वो बाकी सारी कंट्रीज से, बस खाली चारों में खुद में ही जो होती है वो गुटबंदी जैसी बात हो गई एक तरह से, उसके अलावा बाकी जितनी कंट्रीज है उनसे वो सेम तरह का टैरिफ चार्ज करेंगे. उसके बाद एक होता है फ्री ट्रेड एरिया. फ्री ट्रेड एरिया इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री दैट एलिमिनेट ऑल द टैरिफ एंड कोटा बैरियर्स ऑन ट्रेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद ईच अदर. देखो कोई भी कंट्रीज जब FTA अग्रीमेंट के अंदर आती है, फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट के अंदर आती है, इसका मतलब ये एक्सेसिवली स्मूथ ट्रेडिंग चाहते हैं एक दूसरे के साथ, एक्सेसिवली गुड रिलेशनशिप्स चाहते हैं एक दूसरे के साथ, एक्सेसिव इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए उन्होंने क्या एग्रीमेंट बना लिया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. अपन पांचों अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में है, अपन पांचों के बीच में जो ट्रेडिंग होगी ना उस पर टैरिफ्स लगेंगे, ना उस पर कोटास लगेंगे. ये जो इस तरह के जो छोटे मोटे बैरियर्स है ना जो इतना ज्यादा हैम्पर करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, वो क्या कर दिए जाते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर दिए जाते हैं कि अपने में कोई कोटा बैरियर नहीं लगेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली कर सकते हैं. ओके, द ट्रेड अमंग द मेंबर स्टेट फॉलोज टैरिफ फ्री, बट मेंबर स्टेट मेंटेन्स देयर ओन डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब टैरिफ खाली कहां नहीं लगेगा, कहां नहीं लगेगा, हाँ आपस में नहीं लगेगा, वो पांच कंट्री में आपस में नहीं लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, ये पांचों कंट्री आपस के अलावा कहीं किसी छठी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है तो वहां पे टैरिफ्स लगेंगे. और ट्रेडिंग ब्लॉक के जैसे नहीं है इसके अंदर कि बाकी सब जगह ना सबको हम सेम ट्रीट करेंगे, अपन पांचों ना मिलकर सबको क्या करेंगे, सेम ट्रीट करेंगे, नहीं, इसके अंदर हर कंट्री अपना अपना अलग तरह का टैरिफ छठी कंट्री से चार्ज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने यहाँ ऊपर भी दिया हुआ था वैसे एग्जाम्पल, ये जो अपना AIFTA है जहाँ पे ASEAN और इंडिया के बीच में क्या हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो अपनी जो रिलेशनशिप्स है साउथ ईस्ट नेशंस के साथ वो बहुत ही ज्यादा अच्छे है. ठीक है, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 अगस्त 2005 में पोस्ट में आया था. उसके बाद है कस्टम यूनियन. अ कस्टम यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल द टैरिफ ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्फ बट मेंटेन अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन. सेम टू सेम ऑलमोस्ट वो की वो बातें, खाली सिचुएशन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से क्या चेंज कर दिए जाते हैं, नाम चेंज कर दिए जाते हैं. द कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ व्हिच डिस्टिंग्विशेस अ कस्टम यूनियन फ्रॉम फ्री ट्रेड इंप्लाइज दैट जनरली The same tariff is charged whenever a member import goods from outside the custom union. देखो कैसा था free trade agreement में, मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ पर बस आपस में क्या है, free trade है. आपस पांच country के अलावा छठी country से अगर trading होगी तो पैसा लगेगा, और लगेगा भी कैसा, अलग अलग, मतलब A country कुछ और charge कर सकती है, B कुछ और कर सकती है, C कुछ और कर सकती है, D कुछ और कर सकती है, और E कुछ और कर सकती है. लेकिन जैसे ट्रेडिंग ब्लॉक था वैसे कस्टम यूनियन के अंदर क्या होता है कि अगर पांचों के अलावा कहीं आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑलमोस्ट कैसा चार्ज होता है, सेम फेयर चार्जेस लगते हैं. इन्होंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया होगा डेफिनेटली, द EU इज अ कस्टम यूनियन, जो आपकी यूरोपियन यूनियन है ना. यूरोपियन यूनियन क्या है, EU क्या है, हाँ अराउंड इसके, हाँ लिखा भी तो इधर सामने सीधा लिखा हुआ है, 27 कंट्रीज के अराउंड इसके अंदर कंट्रीज है, इनका जो यूनियन है इसे क्या बोला जाता है, जैसे कि बोलो क्या क्या सकता है इसके अंदर, आपका फ्रांस है, जर्मनी है ना, और क्या, डेनमार्क है, फिनलैंड है, और बोलो, अरे अरे मरवाएगा क्या, ये तो अपने ऊपर आ गया ना इधर, और बोलो हाँ, अरे वाह क्या बात है, मेजर नाम नहीं लिए, ऑस्ट्रिया नहीं बोला, चेक रिपब्लिक नहीं बोला, अरे प्राग का नाम सुना है, प्राग, ये नाम सुना है, हाँ चेक रिपब्लिक, तुमने चेक रिपब्लिक नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ढूंढना इंटरनेट पे चेक रिपब्लिक, इतना सुंदर सा
कंट्री है, तुम देखो यार समझो। तो शेज रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है, ये सब क्या है? यूरोपियन नेशन है। ओके बस इतनी इतनी जांच पड़ताल करनी है तुम्हें, इधर तो मिल ही जाएगा सब, ऑब्वियस सी बातें मैं पूछ रही थी, तुम्हें पता है क्या? ओके यहाँ तो मिलेगा ही, बस बस बस। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया है, जैसे कि जो ईयू है ना, खुद यूरोपियन यूनियन जो है वो भी अपने आप में क्या है, कस्टम यूनियन है। उनका आपस में क्या है, कस्टम यूनियन का अग्रीमेंट हुआ हुआ है। इट इज अ 27 मेंबर कंट्री फ्रॉम अ सिंगल टेरिटरी फॉर द कस्टम पर्पसेस। अदर एग्जाम्पल्स आर जैसे कि जीसीसी और ये आपका सदर्न कॉमन मार्केट। सो बहुत सारे तरीके अलग अलग एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ईयू बहुत बेसिक सी बात थी इसलिए मैंने पूछा, बाकी सब तो अपने को भी देखना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या होता है। शेंगेन वीजा के बारे में तो सुना होगा तुमने। आगे पढ़ो। अरे किसी दूसरे देश में जाते हो तो वीजा लगता है कि नहीं लगता है? तो सबसे ज्यादा मुश्किल वीजा कौन सा है पाना? हाँ 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 वही वही वही, कौन सा वीजा होता है वो? अरे भाई यूरोप का वीजा थोड़ी ऐसे मिल जाता है फटाफट से। सबसे ज्यादा टूरिस्ट में जो वीजा रिजेक्ट होते हैं, अमेरिका तो जैसे है ही सबसे ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन है? यूरोप के जो वीजा होते हैं, शेंगेन वीजा नहीं मिलता भाई। जैसे आपको अगर ना मानो आपको सिंगापुर जाना, सिंगापुर जाओगे तो आपको अराउंड अपने और सिंगापुर के टर्म्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा, इंडिया सिंगापुर के टर्म्स बहुत अच्छे हैं। सो बेसिकली वहां पे आपको 7 डेज में 10 डेज में लास्ट क्या हो जाएगा, वीजा मिल जाएगा है ना। लेकिन अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना है, हाँ स्विट्जरलैंड जाएंगे ठीक है, आपको उसकी तैयारी 2-3 महीने पहले से करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि भाई उसका वीजा आने में 2-3 महीने लगता है, वो 2 महीने पहले वीजा निकाल कर ही नहीं देते है ना। टूरिस्ट वीजा की बात कर रही हूँ मैं, वर्क वीजा की तो बात ही नहीं कर रही, टूरिस्ट वीजा खाली घूमने के लिए जाने का, उसमें भी वो 2 महीने, मतलब आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको बोलेंगे कि आप 60 डेज तो एटलीस्ट मिनिमम लेकर ही चलो अपने हाथ में, कि भाई वो 60 दिन तो लगाएंगे लगाएंगे आपके वीजा में। कभी कभी 40 डेज में भी आ जाता है, 45 में भी आ जाता है, आपके लक पे डिपेंड करता है। और उसमें से भी सोचो टूरिस्ट वीजा तक रिजेक्ट होते हैं, टूरिस्ट वीजा तक रिजेक्ट होते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे एकदम एक मतलब एकदम क्लोज रिलेटिव है, देवर प्लानिंग टू गो टू तुम्हारा ये इटली ठीक है। अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड, मुझे एक्जेक्टली जगह ध्यान नहीं किधर जा रहे थे, उन्होंने वीजा अप्लाई किया, बेचारे उसके हस्बैंड का आ गया, वाइफ का नहीं आया है ना, तो अब उनका करा कराया सारा ट्रिप क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो इतना इतना रिस्की है आपका ये जो शेंगेन वीजा बोलते हैं इसको, ओके वहां का जो आपको वीजा चाहिए होता है यूरोप का, तो ये पाने के लिए ऐसा आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और मतलब ऐसा चक्कर है बहुत। क्या है क्या बोल रहा है वो, किधर रह जाएगा तू? अरे वो इंटरव्यू थोड़ी ना भाई। और जैसे इंटरनेशनल की बात अपन कर रहे हैं, बातें नहीं इंटरनेशनल की बात अपन कर रहे हैं, तो अगर आप घूमने के पर्पज से भी जाते हो, सो जैसे इसमें तो आपको वीजा सिंगापुर में, यूरोप में बड़े बड़े देश है यार, बहुत महंगे महंगे देश है ना, तो यहाँ पे बेसिकली आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है, पहले ही लेके जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे आप लोग सीधा जा सकते हो और वहां जाके या तो आपको वीजा मिल जाएगा या वीजा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इंडिया के पास कितने ऐसी कंट्रीज है जिसको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हम इंडियंस एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर वी कैन गो टू द कंट्रीज एंड डू नॉट रिक्वायर एनी वीजा। हाँ लंका और मालदीव्स और जिधर अपन नहीं जा रहे अभी, हाँ और सेकंड कैटेगरी आती है, सेकंड कैटेगरी आती है बेटा वीजा ऑन अराइवल की, कि आपको वीजा तो चाहिए लेकिन चिंता मत करो, हम छोटे छोटे मोटे देश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप आओगे हम आपको एयरपोर्ट पे, हमारे वहां के एयरपोर्ट पे क्या पकड़ा देंगे, वीजा, आप खाली डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, हम आप हमारी कंट्री में एंटर करने के बाद आपको क्या दे देंगे, वीजा दे देंगे आपको, मतलब लेकर आने की नीड नहीं है कुछ भी, तो बहुत ईजी फैसिलिटी हो जाती है। जैसे कि आप जब बाली जाते हो, इंडोनेशिया जाते हो, तो वीजा ऑन अराइवल मिलता है उधर, आप जाओ वीजा लो उधर ही ले लो, सीधा जाओ खाली टिकट बुक करो जाने का और कुछ नहीं। और तीसरी कैटेगरी आती है उन कंट्रीज की जो मतलब जिन्होंने हमें प्रेफरेंस ग्रांट नहीं कर रखी, वो बोल रहे हमारे देश में आना है, पहले एम्बेसी से वीजा लो फिर ही हम देश में आने देंगे। उसमें आपकी जितनी भी बची हुई कंट्रीज, आपका अमेरिका है, आपका यूरोप की कंट्रीज है, आपका सिंगापुर है, मलेशिया है, ये सब 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 उसके अंदर आ जाते हैं। हाँ हाँ ये सब तो है, जैसे अरे भाई वो तो आने दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ओके ओके और ना वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कौन सा? अब भी फोन निकाल के मैडम बताते कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, क्या पूछ रहे हो आप?
नहीं, यू कैन सर्च स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट. पासपोर्ट कौन सा है? ये देखो, हम टाइप टाइप करने की भी हम लोग जद्दोजहद नहीं करेंगे. पहला ही पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट से मतलब है अपने को सेकंड थर्ड फोर्थ होते रहेंगे. स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, नहीं अपन, हाँ सिंगापुर का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है. सिंगापुर का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है मतलब बहुत सारी कंट्री के साथ उनका बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं वीजा को लेकर. दे डू नॉट रिक्वायर द वीजा फॉर मेनी मेनी कंट्रीज इफ यू आर अ सिंगापुरियन सिटीजन. पर ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सिंगापुर का. हाँ ये सब तो है ही. एंड सुपर एक्सपेंसिव ऑल्सो दीज कंट्रीज जो आपके जो लिस्ट में है ना ये. ओके ओके बस. अरे भाई 11:30 कर पढ़ाना, ऐसा मत करो. ओके शांति, अपने बहुत घूमने फिरने की बातें कर ली पर अपने को अभी मौका मिलेगा नहीं क्योंकि अपने एग्जाम है. और जो आईसीआई ने जो धोखा किया है इंटर वालों और फाइनल वालों के साथ, ना खिसका के एग्जाम, जरा जरा सा खिसका के ऐसे ऐसे बस बोले इधर थे इधर आ जाओ बस, है ना. तो वो धोखा याद करो बेटा, आईसीआई ऐसा ही है. और चीज में धोखा नहीं खाना है अपने को, सीधा का सीधा चलेंगे कॉमन मार्केट के ऊपर. बस पीछे बातें बंद. चलो अगला है, अ कॉमन मार्केट डीपन्स अ कस्टम्स यूनियन बाय प्रोवाइडिंग द फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट एंड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग द एलिमिनेटिंग इंटरनल टैरिफ ऑन गुड्स एंड बाय क्रिएटिंग अ कॉमन सेट ऑफ एक्सटर्नल टैरिफ. कस्टम यूनियन ऐसे ही काम करता है कॉमन मार्केट, लेकिन एक फर्क है. कस्टम यूनियन में तो गुड्स और सर्विसेज वगैरह की जो ट्रेडिंग है उसपे से टैरिफ हटाए थे. यहाँ पर आप अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी ट्रांसफर करते हो ना तो भी टैरिफ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी. उसके बाद क्या एग्जांपल दिया इन्होंने, इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन होती है. मैं बाहर निकाल दूंगी बस, अब बातें नहीं होनी चाहिए, बस एकदम चुप एकदम चुप. फॉर अ कॉमन मार्केट द फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द बॉर्डर इंक्रीजेस द नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन and result in higher financial expenses of the firms operating within the region. The next stage is the integration sequence is the formation of some form of monetary union. In economic and monetary union, the members share a common currency. Adoption of common currency also make it necessary to have a strong convergence in the macroeconomic policy. For example, European Union countries implement and adopt a single currency. सीधी सी बात है यार, तुम पांच कंट्रीज आपस में मिलकर क्या बना रहे हो, कस्टम यूनियन बना रहे हो. तुम बोल रहे हो अपने बीच में जो ट्रेडिंग होगी उसमें बैरियर वैरियर कुछ भी होगा नहीं, अपन फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बढ़िया ट्रेडिंग करना चाहते हैं. लेकिन जितना फ्री ट्रेडिंग होगा उतने ही ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ेगी, ट्रेडिंग बढ़ेगी पैसे का रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा. सबको पता है हर कंट्री की अपनी अपनी क्या होती है, करेंसी होती है. तो अगर करेंसी डिफरेंसेस इतने ज्यादा रहे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एक बैरियर बन जाएगा बैरियर हटाने के बाद भी. तो उस चीज को हटाने के लिए क्या बना दिया गया, मॉनेटरी यूनियन. की यार अपने बीच में मॉनेटरी यूनियन बना रहेगा अपन सब. समझो ये जो इन्होंने ईयू वाली बात करी है, ईयू में 27 कंट्रीज है, ट्रेडिंग के लिए मानो इन्होंने सिंगल करेंसी क्या कर रखी है, अडॉप्ट कर रखी है कि यार ये करेंसी सब में चलेगी, सब डील करो कोई दिक्कत नहीं है करेंसी डिफरेंसेस को मिटाने के लिए. ओके इसके बाद हम जो बात करेंगे ना, पहले बात करेंगे हम गैट. इसका नाम क्या है, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. वैसे ये नाम तुम्हारे लिए नया नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने लास्ट यूनिट के अंदर हल्का सा एक बार जिक्र तो किया था इस नाम का, जब WTO की बात अपन कर रहे थे. मैंने कहा गैट करके भी एक अग्रीमेंट होता है जो WTO के अंदर है. ओके लेकिन देखो एक स्टोरी सुनाती हूँ तुमको मैं. देखो तीन चीजें हैं, एक है गैट, फिर है उरुग्वे राउंड, फिर है WTO. क्या मैंने क्या बोला, क्या सीरीज बोली, पहले गैट, फिर आता है उरुग्वे राउंड और फिर आता है WTO. हाँ रे ऐसा ही नाम है, मेरे को भी थोड़ा ऐसा लग रहा था पहले. हाँ तो उरुग्वे राउंड और फिर है आपका WTO. अरे बोल बोल के आज ही देख लेगा क्या है, बस मेरी बात सुनो शांति. देखो WTO नई नई सी बात है, बहुत पहले जब WTO वगैरह कुछ भी नहीं था तब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था, तब भी देशों के बीच में अग्रीमेंट था क्योंकि बिना अग्रीमेंट के आप काम ही नहीं कर सकते हो इतने सारी कंट्रीज मिलकर. तब क्या था, सिर्फ गैट था, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ठीक है, ये एक अग्रीमेंट था, इसका भी वही ऑब्जेक्टिव था कि सारी जो कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेडिंग क्या हो, स्मूथ हो. लेकिन इसकी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, कि जो गैट था ना इट कवर्ड ओनली गुड्स. एक्चुअली क्या, पहले सर्विसेज वगैरह की ट्रेडिंग इतनी नहीं हुआ करती थी आपस में, सामान की ट्रेडिंग ज्यादा हुआ करती थी. तो ये जो गैट था ये खाली किसको फोकस किया हुआ था, इसने गुड्स को फोकस किया हुआ था.
फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, दुनिया में सर्विस एक्सचेंज भी बढ़ गया और इनफैक्ट आईपी एक्सचेंज भी बढ़ गया। आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बाय द क्रिएशन ऑफ माइंड बनाई जाती है, जैसे कोई इनोवेशन है, ठीक है, कोई इनोवेशन आ रहा है या फिर कोई कॉपीराइट है, इस तरह की जो चीजें होती है ना बेसिकली, तो आपके एक तरह से इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं आपके, ओके, वो सारे क्या आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। तो फिर इनका तक एक्सचेंज होने लग गया, इतना ज्यादा सर्विसेज का होने लग गया, तो गैट क्या हो गया बेटा? ऑब्सोलीट हो गया। यार इसके अंदर जो अग्रीमेंट है वो खाली गुड्स पर फोकस करता है, इससे काम चलेगा नहीं। और ये जो था ना, ये अग्रीमेंट था खाली। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं, काउंसिल बैठती है, कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई उसके नीचे काम करता है, कोई अकाउंटेबल होता है किसी भी चीज के लिए कि यार कहीं भी जरूरत हो इस आदमी के पास जाओ। अग्रीमेंट का मतलब है कागजी अग्रीमेंट है खाली। तो गैट सिर्फ क्या था? एक अग्रीमेंट था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो क्या हुआ फिर गैट का जो धीरे धीरे रोल क्या होने लग गया? ऑब्सोलीट होने लग गया, खराब होने लग गया, क्योंकि वो गुड्स को कवर करता था, बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो ऑब्वियसली बात है फिर डिसाइड किया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी क्या है जरूरी है। गैट को हटाकर क्या सेटअप करनी जरूरी है? एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड ट्रेड पर क्या करे, ध्यान दे। तो बेसिकली बहुत सारी मीटिंग्स होती है, तो ना 8 राउंड हुए। कितने राउंड हुए? हाँ, तो मतलब राउंड्स का मतलब क्या होता है? 8 मीटिंग्स हुई, ये मानो तुम, अलग अलग जगह पे दुनिया में 8 मीटिंग्स हुई गैट को लेकर, ओके। उसका जो 8th राउंड था उसके बाद एक राउंड आया उरुग्वे राउंड। क्या आया? अरे उरुग्वे कंट्री है, ठीक है, तुम्हारे साउथ अमेरिका के अंदर, ओके। तो अलग अलग जैसे राउंड्स को कैसे नाम देते हैं ना, जिस कंट्री में वो मीटिंग हो रही है उस राउंड को उस कंट्री का क्या दे दिया नाम? जैसे दोहा में कोई मीटिंग हुई तो उसको क्या नाम दे दिया? दोहा राउंड का नाम दे दिया, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उरुग्वे में मीटिंग हुई तो उसको क्या नाम दे दिया? उरुग्वे राउंड का नाम दे दिया। तो बेसिकली 1986 के अंदर अराउंड आपकी उरुग्वे में मीटिंग हुई जिसको उरुग्वे राउंड कहा गया, ओके। 8 मीटिंग चल रही थी, मीटिंग्स बहुत टाइम से चल रही थी, फाइनली 8th मीटिंग के अंदर, उरुग्वे मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड हुआ कि यार WTO सेटअप करना चाहिए, पड़ेगा तो नहीं, चाहिए। कि क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे सिस्टम ठीक करें। 8वीं मीटिंग में 8वें राउंड में उरुग्वे के अंदर ये डिसाइड हुआ कि यार WTO सेटअप करना जरूरी है, जरूरी रहेगा, ठीक है। फिर ये जो मीटिंग है यार, दुनिया में देश में इतनी जल्दी काम नहीं होता तो दुनिया में कैसे होगा? देशवासी आपस में अग्री नहीं करे दुनिया के लोग कैसे करेंगे? तो ये जो मीटिंग है, ये जो मीटिंग का मतलब है, ये जो राउंड है वो अराउंड 7-8 ईयर्स चला। कितने ईयर्स बोल रहे हो? अरे बैठे नहीं रहे एक रूम में 7-8 साल, मतलब उस चीज पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कितने सालों तक? 7 से 8 सालों तक उस चीज पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिर फाइनली कहीं पर 1994 में जाकर हो गए ना, कुछ 7-8 साल में, कोई लग रहा है कि इतना ही टाइम है, 86 से 94 काउंट कर लो, अरे कितना हो गए, हाँ, तो वही 8 ईयर्स तक ये मीटिंग चली, बातें नहीं, 7-8 ईयर्स तक ये मीटिंग चली, ये चीज, यही राउंड कंटिन्यू होता रहा, मतलब उरुग्वे राउंड ही कंटिन्यू होता रहा। और फाइनली 1994 के अंदर WTO का बर्थ हुआ, है ना। WTO को क्या कर दिया गया? सब कंट्रीज के द्वारा, आपको पता है WTO जिस अग्रीमेंट में साइन हुआ था, मतलब ये जो उरुग्वे राउंड था इसको दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएशन अग्रीमेंट या नेगोशिएशन मैंडेट बोला जाता है, द बिगेस्ट नेगोशिएशन मैंडेट बिटवीन द कंट्रीज, जिसमें अराउंड 124 समथिंग, पता नहीं कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब तो बहुत मेंबर्स बढ़ गए इसके WTO के, लेकिन उस टाइम पे भी इतनी सारी कंट्रीज ने, 124 अराउंड कंट्रीज ने क्या किया था इसमें पार्टिसिपेट किया था, और सबने यूनानिमसली WTO के लिए क्या किया था, अग्री किया था। तो वर्ल्ड बिगेस्ट नेगोशिएशन मैंडेट इसको भी बोला जाता है। तो फाइनली 1994 के अंदर आपका ये एस्टैब्लिश हुआ, और 1995 के अंदर ये फोर्स में आ गया, मतलब 4 में एस्टैब्लिश हो गया, 95 में फोर्स में आ गया था, ओके। इस तरह से WTO आपकी पिक्चर में आया। अब WTO में जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो अपर लेवल लोअर लेवल, वैसे ही इसके अंदर भी क्या है, लेवल्स है, जो कि खाली क्या काम करते हैं बेटा, देश में, सॉरी दुनिया में सारे देशों के बीच में जो ट्रेडिंग है वो कैसे होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, टैरिफ बैरियर्स कम होने चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इस पर ध्यान देते हैं। कोई तो है अब जो अकाउंटेबल है, ठीक है। अब मैम गैट का क्या हुआ फिर? गैट रिप्लेस होके क्या हो गया? रिप्लेस नहीं हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, गैट को WTO में ले लिया गया, क्योंकि गैट सिर्फ गुड्स पर ध्यान देता था, तो अब WTO के अंदर कौन है? गैट भी है। गैट के एक और ऑर्गेनाइजेशन, एक और अग्रीमेंट है जिसका नाम है सर्विसेज। जैसे गैट है ना आपके पास, वैसे ही गैट्स है, मतलब वो बात करता है ट्रेडिंग ऑन सर्विसेज की, और एक आईपी ट्रेडिंग ऑन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी की बात करता है। सो गैट को कहां ले लिया गया? WTO ने अपने अंदर ले लिया बेसिकली। अब गैट WTO का क्या है? एक हिस्सा है।
तो ऐसे पहले गैट था, ऑब्सोलीट हो गया, फिर राउंड्स हुए, मीटिंग्स हुई, उसके बाद आपका क्या इस्टैब्लिश हुआ, डब्ल्यूटीओ इस्टैब्लिश हुआ। बात समझ में आ गई? डब्ल्यूटीओ पिक्चर में कैसे आया समझ में आया? ये इतने सारे तो मतलब नाम तो समझ लोगे, गैट है, ये है, वो है, पर पता ही नहीं बच्चे को कि है क्या। तो स्टोरी खाली खाली इसलिए बताई ताकि ये जो नाम आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको पता हो कि ये आए कहाँ से, ये होता क्या है। उरुग्वे होना, नाम ऐसा है बच्चा देख के डर जाए, बोले ये क्या नाम है यार, तो ये लर्न कैसे करेगा। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना याद करने के अंदर, उरुग्वे राउंड क्या था, गैट क्या था, आपका डब्ल्यूटीओ कैसे आया, यही आपका डब्ल्यूटीओ है, कुछ भी। ठीक है, ओके, ए फटाफट फटाफट पढ़ेंगे अब। चलो, द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कवर्स द, देखो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है, हाईलाइट नहीं किया हालांकि, तुम कर लो, कवर इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स ही लिखा है यहाँ पे भी, अभी भी इन्होंने कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया, क्योंकि गैट एक्चुअली में सिर्फ किस में डील करता था, गुड्स में ही डील करता था। द वर्किंग ऑफ गैट अग्रीमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स विच इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री। तो उन्होंने प्रेजेंट की बात बता दी कि जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज हैं उन सबके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही मिलकर आपके गैट को भी क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। लेकिन द गुड्स काउंसिल हैज 10 कमिटी डीलिंग विद द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अलग अलग कमिटीज, जैसे कि डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ के अंदर काउंसिल है, काउंसिल के अंदर भी क्या है, कमिटी। अरे ऐसे ही तो होता है ना अपने देश में भी, क्या होता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या है, काउंसिल्स है, काउंसिल्स के अंदर भी क्या है, कमिटीज है। सो अलग अलग कमिटी सेटअप कर रखी है अलग अलग एरिया को देखने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर को देखने के लिए, मतलब दुनिया में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ट्रेड हो रहा है उसको देखने के लिए अलग कमिटी है, मार्केट एक्सेस को देखने के लिए अलग कमिटी है, सब्सिडीज को देखने के लिए अलग कमेटी है, एंटी डंपिंग मेजर्स को देखने के लिए अलग कमेटी। तो अलग अलग मैटर्स की कमेटी सेटअप कर रखी है। अगेन दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर कंट्री, हर कमिटी में सारी मेंबर कंट्रीज, जो 164 कंट्रीज आपकी मेंबर है डब्ल्यूटीओ की, वो लोग शामिल हैं। ये तो करंट की बात बताइए, करंट में जो गैट है, पर आपको ये भी पता है कि पहले भी गैट था, डेफिनेटली था, ऐसा नहीं कि अभी है, वो पहले से है। ओके, ऑल्सो रिपोर्टिंग टू द गुड्स काउंसिल आर अ वर्किंग पार्टी ऑन स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट कमिटी। द गैट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बाय द, हाँ, जो अकेला गैट था ना उसने 1980 के करीब अपनी रेलेवेंस को क्या कर दिया था, खो दिया था, कारण आपको पता है। फिर भी इन्होंने क्या बोला है, क्यों भाई, इट वॉज ऑब्सोलीट टू द फास्ट इवॉल्विंग कंटेम्प्ररी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो। इतना ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड का सिनेरियो बदल रहा था कि वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैज एक्सपेंडेड सब्सटेंशियली, पहले लोग खाली गुड्स खरीदते थे, भाई तुम मुझसे सामान ले लो मैं तुमसे सामान ले लूंगा, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात थी, अब इतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं लोग, पता है ना तुमको, दूसरे देश वाले हमारे में करते हैं, हम तो जैसे भर भर के बाहर करते हैं। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या होने लग गया, ट्रेड होने लग गया, वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज्ड बाय लीप्स, द एम्बिग्युटीज इन द मल्टीलेटरल सिस्टम कुड बी हेविली एक्सप्लॉइटेड। एम्बिग्युटीज क्या होता है, जो भी मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स लोगों के बीच में बने हुए थे ना, कंट्रीज के बीच में, उसमें जो दिक्कतें थी, जो एम्बिग्युटीज थी, वो बहुत ज्यादा लोग क्या करने लगे, अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लगे, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन तो करने के लिए था नहीं, जो गैट था वो डील करता था गुड्स के अंदर, अगर गुड्स से हटके इतना सा भी कोई डीलिंग हो रही है उसके लिए तो कोई रूल एंड रेगुलेशन ही है ही नहीं, तो अपने हिसाब से लोग क्या करने लग गए, उसको एक्सप्लॉइट करने लग गए। एफर्ट एट लिबरलाइजिंग एग्रीकल्चर ट्रेड वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो ये कुछ रीजन इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, there was inadequacies in institutional structure, it was not treaty and therefore terms of GATT were binding only so far as they are not in accordance with the national domestic rules। देखो ये क्या बोल रहे हैं, मैं यही तुम्हें लास्ट पॉइंट भी एक बार बताना चाहती हूँ, ये कोई ट्रीटी नहीं है, ठीक है, ट्रीटी का मतलब है ये कोई यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं थी, ये खाली अग्रीमेंट था। तो अग्रीमेंट में क्या था कि यार अगर अपन चारों सारी कंट्रीज मिलकर कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं और इसमें कोई रूल अगर मेरी पर्सनल कंट्री से क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरी कंट्री के रूल से इस गैट का रूल क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है, तो कोई स्ट्रॉन्ग ट्रीटी तो है नहीं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे कोई काम कर नहीं रही, तो लोग अपनी डोमेस्टिक जो कंट्री थी ना उसी का रूल क्या करते थे, ओवर रूल करते थे उस चीज को, इस चीज का जो रूल था वो पीछे, खुद की कंट्री का जो रूल था वो आगे। तो बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी गैट को लेकर, इसीलिए इसका जो रोल था वो ऑब्सोलीट हो गया, कब, 1980s के अराउंड, इसीलिए फिर अलग अलग राउंड चलाए गए, मीटिंग्स चलाए गए, फाइनली उरुग्वे राउंड के अंदर डब्ल्यूटीओ के सेटअप की बात करी गई। अब बात है द उरुग्वे राउंड एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO। द उरुग्वे राउंड ब्रॉट अबाउट बिगेस्ट रिफॉर्म ऑफ वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। भाई आपके यहाँ पे दो तीन राउंड दे रखे हैं और इसमें से लाइन हाईलाइट कर लो कि द बिगेस्ट राउंड कौन सा था जिसने जिसने वर्ल्ड ट्रेडिंग को ही पूरा का पूरा चेंज कर डाला, वो था उरुग्वे राउंड। मेंबर्स एस्टैब्लिश्ड 15 ग्रुप्स टू वर्क ऑन लिमिटिंग रेस्ट्रिक्शन इन एरियाज ऑफ टैरिफ।
लोगों ने काम किया इस मीटिंग के अंदर, बातें करी कि यार आपस में टैरिफ्स को कम करो, जैसे कि टैरिफ्स को नॉन टैरिफ बैरियर को कम करो, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्स प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, एग्रीकल्चर, हर चीजों को लेकर क्या की जाने लगी, बात करी जाने लगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन को लेकर, एंड सर्विसेज एंड फोर अदर एरियाज डीलिंग विद द गैट इटसेल्फ, सच एज द गैट सिस्टम, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनटीबी कोड्स टू टोक्यो राउंड, स्पेशली ऑन द एनटी डंपिंग। अब ये सब क्या है, आपको सीधा सा इसके अंदर क्या समझना है कि भाई पहले टोक्यो राउंड या जो भी राउंड्स पहले हुआ किए थे उसके अंदर जो भी डिस्कशंस थे उन सबका सार कहां निकलने लग गया, उरुग्वे राउंड में निकलने लग गया कि यार आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करो, आप खाली गुड्स की बात मत करो, आप ये जितने भी पॉइंट्स दिए ना इन सबकी बात करो, और इन सबको लेकर क्या होने लग गई, चर्चा होने लग गई। उसके बाद द राउंड स्टार्टेड इन पंटा डेल एस्ट इन उरुग्वे इन सेप्टेम्बर 1986। मैम ये क्या है यार, उस जगह की कोई सिटी का नाम है, कहां पे, ये जो कंट्री है ना उरुग्वे, उरुग्वे के अंदर सितंबर में 1986 में इस सिटी के अंदर ये राउंड, ये मीटिंग क्या हुई, स्टार्ट हुई। उरुग्वे साउथ अमेरिका की कंट्री है कोई, ओके, एंड वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 1990। वाह, उन्होंने डिसाइड किया 86 में चालू करेंगे, 1990 में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, 3-4 साल चलाकर क्या करेंगे, इसको फिनिश ऑफ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। However, due to many differences and especially due to heated controversies on agriculture, no consensus was arrived at. Consensus का मतलब क्या होता है? आप लोग law पढ़ते हो बेटा? Consensus का मतलब क्या होता है? सब लोग एक चीज पर जब agree करते हैं, वो उनका क्या बोला जाता है? Consensus बोला जाता है। तो लोग का कोई भी common consensus बन ही नहीं रहा था। Finally, in December 1993, the Uruguay round, the eighth and the most ambitious and largest ever round of multilateral trade negotiation, in which 123 countries participated, was completed after 7 years of elaborate negotiation. So, 7 saal ke baatcheet ke baad, socho, 7 saal tak baatcheet hi kare ja rahe hain. Uske baad finally jo 8th round tha Uruguay round, uske andar फाइनली चीजों को क्या किया गया, सेटल किया गया। द अग्रीमेंट वॉज साइंड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑन 15 अप्रैल 1994 और ये इफेक्ट में कब से आया, 1 जुलाई 1995 से। साइन कब कर दिया गया था, 1994 में साइन कर दिया गया था, इफेक्ट में आना में टाइम लगता थोड़ा सा, तो वो 1995 में इफेक्ट में आया था। इट ऑल्सो मार्क्ड एज द बर्थ ऑफ WTO, इसी के साथ किसका जन्म हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, एज अ सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एनकंपासिंग द गैट एज मॉडिफाइड बाय द उरुग्वे राउंड। इसका मतलब गैट को इसने अपने अंदर लिया और WTO का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब WTO क्या है, WTO बहुत इजी है, एकदम इजी है, जो ये सारे काम देखता है वो कौन है, WTO। आपको सिर्फ ये देखना है कि काम क्या क्या देखता है। देखो, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब एपेक्स है, सुप्रीम बॉडी है, ओके, इट इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। सीधी सी बात है, द गोल इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड एज फ्रीली एज पॉसिबल। जितना फ्री ट्रेड हो सके उतना फ्री ट्रेड होना चाहिए दुनिया के अंदर, यही इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO इज टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली, फ्रीली, फेयरली एंड प्रिडिक्टेबली। 6 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल सेट करना, अगर आपको ये चाहिए कि ये गेम चलता रहे। देखो यार, कोई भी गेम स्मूथली कब चलेगा, जब उसके रूल्स क्या होंगे, क्लियर होंगे, जब उसके रूल क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या है, अपने आप में गेम है, और इस गेम के रूल्स कौन सेट करता है, WTO सेट करता है, ठीक है। तो टू सेट द रूल्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग द फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, जो भी ट्रेड लिबरलाइजेशन करना है, और आसान करना है ट्रेड को, और मुश्किल करना है, उसके लिए नेगोशिएशन करे कहां आदमी, तो कहां करता है, WTO में करता है, ठीक है। टू रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट, कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उसको कौन रिजॉल्व करता है, WTO रिजॉल्व करता है। टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, to cooperate with the major international economic institution involved in global economic management, जो भी आपके जैसे ये international monetary fund है या जो भी बड़े बड़े institutions है जो कि international level पर किसी भी चीज को monitor करते हैं, उनके साथ सामंजस्य बनाकर रखता है कौन, WTO, to help developing country benefit fully from the global trading system। देखो, developed को तो वैसे भी क्या support की जरूरत है, जिसको support की need है वो कौन होती है, developing country, तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और वो फ्रीली इंटरनेशनल ट्रेड करे ताकि वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, डेवलप बना सके, इस चीज की भी चिंता कौन कर रहा है, WTO करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO अग्रीमेंट एज एक्नॉलेज्ड इन द प्रीएम्बल, सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव कहां लिखे हुए हैं, उसके प्रीएम्बल में, ठीक है। प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है,
कि रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यूटीओ का, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेडली ग्रोइंग द वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड एंड एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड. ये इसका ऑब्जेक्टिव है, सुंदर भाषा में, अपनी भाषा में ऊपर दिया हुआ है ना, जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रीएम्बल में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पर जो लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव वो ये है, बाकी इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव को ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैम डब्ल्यूटीओ काम किस तरह से करता है, क्या स्ट्रक्चर है डब्ल्यूटीओ का, तो तीन लेवल पर काम करता है. कितने लेवल पर है ना, जैसे कि तीन लेवल समझो, अपनी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही डब्ल्यूटीओ में भी तीन लेवल है. क्या है, द डब्ल्यूटीओ एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय द सेक्रेटरिएट लोकेटेड एट जेनेवा. जेनेवा क्या है, कहां है, ये भी एक सिटी है, स्विट्जरलैंड के अंदर है जेनेवा. ठीक है, सो बेसिकली कहां लोकेटेड, कहां है डब्ल्यूटीओ, जेनेवा में. ओके, सो जेनेवा में लोकेटेड है, हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल. इट हैज थ्री टायर सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो सबसे ऊपर लेवल, टॉप लेवल बॉडी, उसको क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्रियल, विच कैन टेक डिसीजन ऑल द मैटर्स अंडर एनी ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट. यार सुपीरियर बॉडी है यार, सबसे अपर लेवल है, तो ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ना, ये किसी भी अग्रीमेंट पर क्या ले सकती है, डिसीजन ले सकती है. द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट एटलीस्ट, वाह देखो कितनी बार मिलती है, वंस इन एवरी टू ईयर. सो दो साल में एक बार इस बॉडी को आपस में मिलना जरूरी है. ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ना, ये आपस में मिलती है कितनी बार, एक बार, एक दो साल में एक बार. फिर नेक्स्ट लेवल का नाम है जनरल काउंसिल, जो मिडिल लेवल है, विच मीट सेवरल टाइम अ ईयर एट द जेनेवा हेडक्वार्टर. जो हेडक्वार्टर समझ गए ना, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, हाँ, तो जेनेवा हेडक्वार्टर में ये जो जनरल काउंसिल है ना, ये तो साल में बहुत बार मिलते. देखो यार ऑब्वियसली बात है, एक्चुअल काम हमेशा कौन करेगा पता है, हाँ, जो सबसे लोअर लेवल होगा, उसके बाद उससे कम काम करेगा मिडिल लेवल, और सबसे कम काम नहीं बोल रही मैं, लेकिन जो खाली खाली क्या करते हैं वो लोग, सुपरवाइज करते हैं, वो फ्लोर वर्क नहीं करते किसी भी चीज का, इसलिए वो देखो दो साल में एक बार मिल रहे हैं. ये जनरल काउंसिल वाले तो रोज ही मिल रहे हैं, रोज मतलब बहुत सारी बार साल में मिल सकते हैं. और जो नेक्स्ट लेवल होता है वो है गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, आईपी काउंसिल. ये अब क्या आ गया, तुम्हारा लोअर लेवल आ गया, लोअर का मतलब है बेसिक लेवल आ गया. अब बेसिक लेवल पे देखो, इन्होंने काउंसिल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अगर गैट होता तो खाली कौन सा काउंसिल होता, गुड्स काउंसिल होता, पर अब गैट तो खाली इसका क्या है, एक हिस्सा है, इसलिए एक तो गुड्स काउंसिल बना रखा है, एक सर्विस काउंसिल और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल भी अलग से बना रखा है. ये किसको रिपोर्ट करता है, ऑब्वियसली बात है यार, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है. ये जो लास्ट लेवल पर जो काउंसिल है, किसको रिपोर्ट करते हैं, जनरल काउंसिल को. जनरल किसको रिपोर्ट करेगा फिर, आपके जो सुपीरियर है, सुपीरियर का नाम क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस को. दीज काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन. ये जितनी भी काउंसिल है ना, चाहे आईपी काउंसिल है, चाहे सर्विस काउंसिल है, चाहे गुड्स काउंसिल है, यही देखती है कि डब्ल्यूटीओ के अंडर जो अग्रीमेंट्स हुए हुए हैं ना देशों के बीच में, वो उनको मान भी रहे हैं या फिर. तो ग्राउंड वर्क एक्चुअली कौन कर रहा है, काउंसिल से कर रही है. द डब्ल्यूटीओ अकाउंटिंग फॉर अबाउट 95% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड करंटली हैज कितने मेंबर है इसके, 164 मेंबर्स हैं, जिसमें से 117 तो कौन सी कंट्रीज है, और 24 कंट्रीज और नेगोशिएटिंग मेंबरशिप लेने, मतलब मेंबरशिप लेने के लिए क्या चल रहा है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और लोगों को भी मेंबर्स इसका बनना है. द डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट हैव बीन रेटिफाइड इन ऑल मेंबर्स पार्लियामेंट. इसका मतलब है जितने भी देश डब्ल्यूटीओ में शामिल है, उन सबके पार्लियामेंट में डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट क्या करवाया जाता है, रेटिफाई करवाया. रेटिफाई का मतलब क्या होता है, लॉ में पढ़ते हो, टू रेक्टिफाई होता है वो, करेक्ट समथिंग, रेटिफाई टू अप्रूव समथिंग. हाँ, मतलब अपन ने क्या किया, अपन दोनों ने मिलकर क्या लिया, डिसीजन लिया, लेकिन वो मान्य कहां होना है, सब पे होना है, तो मैं सबसे क्या करवाऊंगी, उसको रात में रेटिफाई अप्रूव करवाना पड़ेगा. तो ये बात यहां पर लिखी गई है. आगे कल पढ़ेंगे.